वेलकम बैक यूएमबी न्यूज देख रहे हैं आप। चलिए जानते हैं कैसा रहेगा प्रदेश के मौसम का हाल। वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में बताइए किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं। साथ ही अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूले। आपको बता दें 10 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, इन इलाकों में बाढ़ का तांडव। पूरे भारत में मानसून की बारिश ने रफ्तार पकड़ ली है। कई राज्यों में जहां बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं तो कई राज्यों में किसानों की राहत मिली है। इसी बीच आईएमडी ने मानसून को लेकर नई जानकारी देते हुए कहा कि जुलाई की तरह अगस्त और सितंबर में भी भारी बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगस्त और सितंबर में उत्तर भारत में बारिश से लोगों को परेशान कर सकती है। इन 10 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम समेत तमाम राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पहाड़ों पर इतनी बारिश हुई है कि नदियों में सैलाब आ गया है, कई आवासीय इलाकों में पानी घुस गया है। इन राज्यों में भारी बारिश का तांडव। बारिश का सबसे खतरनाक रूप जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल में देखने को मिल रहा है, जहां की बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है। भारी बारिश से लोगों की मुसीबत बढ़ती जा रही है। हिमाचल के मंडी में भी आफत की मुसीबत ने लोगों के जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। यहाँ व्यास नदी का जलस्तर बढ़ने से 24 लोग पानी के सैलाब में फंस गए, जिन्हें स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू कर बचाया। अपनी खूबसूरती के लिए विख्यात कुल्लू घाटी में भी भारी बारिश का कोहराम जारी है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बीते कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हालांकि राज्य के पूर्वोत्तर जिलों में अब भी औसत से कम बारिश हुई है। वहीं मौसम विभाग की माने तो मंगलवार से राज्य के कुछ जिलों में बारिश की संभावना है। बारिश की संभावना को देखते हुए 11 जिले ऑरेंज अलर्ट पर और 12 जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने यूपी के 11 जिलों में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वे जिले हैं लखीमपुर खीरी, बहराइच, सीतापुर, श्रावस्ती, गोंडा, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर और आजमगढ़। इसके अलावा सहारनपुर, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, जौनपुर, मऊ देवरिया, गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, बलिया और गाजीपुर में बारिश की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट भी जारी किया है। एमपी मौसम विभाग के अनुसार आज भी सभी संभागों में कहीं कहीं स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। शहडोल, जबलपुर, नर्मदापुरम और ग्वालियर संभागों में अनेक स्थानों पर और इंदौर, भोपाल, उज्जैन, रीवा, सागर और चंबल संभागों में कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी दी गई है। इसके अलावा रीवा, शहडोल, चंबल और ग्वालियर संभागों के साथ बैतूल और छिंदवाड़ा जिले में बिजली गिरने और चमकने के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। बिहार के 10 जिलों में आज भारी वर्षा या कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा होने का पूर्वानुमान है। इन जिलों में अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, भागलपुर, मुंगेर, बांका, खगड़िया और बेगूसराय शामिल हैं। इसके साथ ही राज्य के सभी जिलों में आकाशीय बिजली चमकने के साथ वज्रपात की संभावना है। मौसम विभाग ने बिहार के सभी जिलों के लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। आज सुबह से ही राजधानी पटना समेत पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, अरवल और जहानाबाद में वर्षा होने की संभावना है। वहीं हिमाचल में भारी बारिश से अब तक 140 लोगों की जान चली गई। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से बीते एक महीने में 140 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 233 लोग घायल हो चुके हैं। बरसात से अब तक राज्य में 452 करोड़ का नुकसान हो चुका है। सबसे ज्यादा नुकसान पीडब्ल्यूडी को हुआ है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में अचानक आई बाढ़। भारी बारिश के चलते जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के सुरनकोट शहर में सोमवार को बाढ़ आ गई थी और इस वजह से स्थानीय प्रशासन को सभी स्कूलों को बंद करना पड़ा था। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। अधिकारियों के मुताबिक सुरनकोट के पहाड़ी इलाकों में रात भर हुई भारी बारिश के बाद बाढ़ आ गई और इसका पानी घरों और दुकानों में घुस गया। लोगों की मदद करने के लिए सेना और पुलिस को लगाया गया है। ये जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। हम आपको हर दिन ताज़ा अपडेट से रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहें यूएमबी न्यूज़।